करती है, आपको पता ही सबको वीडियो पे जाते हैं, तो ऐसा नहीं हम करते कि कुछ यहाँ कुछ बोल रहे हैं कर कुछ रहे हैं, ठीक है। जो भी फिलहाल यहाँ तक बैठी है ये पहले बताए कि भाई यहाँ कुछ लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, कुछ नहीं करते, जोर से बोलो भी लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद माँ भगवती का हिस्सा बनता है, वो भी देखिए आपकी श्रद्धा है, आप उसको चुन्नी नारियल या उसका थैंक्स करने के लिए जो भी लेके आ सकते हैं, लोग इतने से लेके इतना भी देते हैं, कुछ थोड़ा भी देते हैं, ज्यादा भी देते हैं, किसी की डिमांड नहीं है। ये स्पेशल गरीबों का केस हेल्प हो रही है यहाँ, यहाँ पे उनका कोई भी शोषण नहीं होता। बड़े से बड़ी भी क्रिया होगी तो नहीं ली जाएगी, माँ भगवती का आपको प्रसाद महल देना है अगर किसी के ऊपर बड़ी क्रिया है, ठीक है। मैं सभी को ये बात पहले बता देती हूँ, और उसके बाद भी अगर आपका काम हो जाए लानी है वो भी आपकी अपनी मर्जी है, खाली एक चुन्नी नारियल भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं, आपको नहीं कहा जा रहा भैया आप इतनी बड़ी टोकरी लाओ, ये टोकरी कम से कम भी 5,000 की होगी, जितनी जो इसमें सामान है, 5 की भी होगी तो 3 की होगी, ठीक है। मैं नहीं किसी को कहती कोई इतनी बड़ी लाए, नहीं, जितनी उसकी श्रद्धा है। एक सिंपल चुन्नी 200 रुपए की भी ला सकते हैं, एक नारियल देके महारानी की भेंट भी दे सकते हैं, किसी को यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, डरना नहीं है, ना यहाँ दरबार में शोषण होता है। लेकिन काम होने के बाद नहीं देंगे तो दोबारा दरबार में काम भगवती नहीं करेगी, ये आपको मैं बता देती हूँ। पहले मांगेगी कि पहले मेरी इससे पहले वाली बधाई ला, मैं तब काम करूंगी, ठीक है। तो इसलिए डरना नहीं है, ये लोग बड़ी बड़ी देते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी होती है, अब अगले बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अगले दे सकते हैं, अगला बहुत कुछ दे सकते हैं, तो यहाँ तो सोना चांदी भी दे सकते हैं, तो सबको ये चीज देते हैं, इतनी ज्यादा है तो ऐसी बात है, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। तो कई लोग तो बेचारे रोटी मुश्किल से खा रहे हैं, वो भी दरबार में आ रहे हैं, तो उनको चुन्नी लेनी भी महंगी होती है, तो यहाँ पे किसी को कोई बंदिश नहीं है, सबको बराबर ही देखा जाएगा, एक ही टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि पैसे वाले को पहले और गरीब को बाद में, ठीक है। तो सभी जयकारा गए, बोलो जयकारा श्री भवानी माई का, दरबार की जय। अभी बच्चा सुनाएगा भाई अपने, अभी इतनी दूर से आया है, बड़ा दरबारों में गया, मेरे को नहीं पता है पहली टाइम आया है, हरियाणा से आया है, मरिंडा से आया है, कहाँ से, लेकिन YouTube की वीडियो देख करके आया है। बच्चा बहुत दुखी है, सारी संगत इसको दुआ करेगी कि जिस काम के लिए आया है माँ भगवती इसकी झोलियां भरे। मुझको नहीं पता किस काम को आया है, कितना दुखी है, ये आपको बनाएगा, ये बताएगा, सुना लो फिर मैं इसका काम करती हूँ, बताओ जी, सुनाओ जी। जयकारा शेरावाली माई दा, बोल सच्चे दरबार की जय। रोना नहीं, रोया थोड़ी, बोलो अपने दुख बोलो, ताकि लोगों को पता लगे कि बाहर कैसा शोषण करते हैं, आपसे कितना किसी ने लिया, आप कहाँ कहाँ गए, आपने कैसे कैसे दिया, अपनी ज्वेलरी बेच के दिया, क्या किया, आपके साथ क्या शोषण हुआ, ताकि जनता को पता लगे कि हम कहाँ जुड़े हैं, और हम बहुत अच्छी से मोटिवेशन आपकी दूर तक जाएगी, बच्चे बहुत बचेंगे इस तरह के शोषण से कि कैसे लोगों को किया जाता है। माइक मुंह के पास लगाओ, माता रानी की कृपा से सामने पता चल जाए क्या हो रहा है।
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੈ ਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਕਾਰਾ ਜੀਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਬੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸੋਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ नहीं नहीं सच बोल रहे हैं जी हम सब गवाह हैं मेरी तो बहुत ही बीमारियां ठीक हुई ਬੋਲੋ ਨਾ ਭਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ मतलब कि सबसे बड़ी बात है यहाँ तुमसे लिया नहीं जाता मैं कभी भी नहीं कभी बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती है लिया नहीं जाता हम कोई घर नहीं चला रहे दरबार से ठीक है जो यहाँ लिया जाएगा वो भी तुम सामान लाओगे तुमने घेर रही है वो जा करके मैं नहीं खा रही उसको मैं उसके बाद कह रही थी जो ये सब कुछ आ रहा है चलो हमारे को दिखाना भी पड़ता है क्यों आ तो ये लोग अपनी मर्जी से दे रहे हैं मेरे को मैंने नहीं बोला उसको भी तू टोकरी लेके आ मैंने नहीं बोला साड़ी लेके मैंने बोला पायल लिया वो एक चुन्नी लाती तो मैंने वो भी ले लेनी थी मैंने तब भी वही आशीर्वाद देना था अब भी वही आशीर्वाद है ठीक है तो यहाँ कोई ना डरे काम हो जाए बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि जब आपका काम हो जाए मेरी महारानी का सदका जरूर करें वो चाहे आप 200 रुपए से ही करें चाहे आप उसकी चुन्नी नारियल जरूर दें उसकी जो मतलब कि शुक्राना है वो जाया ना करे तो तुम्हारे साथ वो ताऊ बाकी नहीं कि आज 1000 देते 2 देते 3 देते 4 देते कहाँ करने भाई हमने तो नहीं ले रहे ठीक है तो आगे भी ये वीडियो जो सुनेगा उनके लिए मेरी यही प्रार्थना है कि यहाँ कुछ नहीं दिया जाता है ठीक करने के लिए और जो आपका तंत्र होगा वो सामान आपका ही होगा या फिर आप खुद लाओ खुद लेकर क्या आपको लिख के दे देंगे खुद उसको घेर कर हम नहीं आपका लेंगे बस वो सीधी बात है ठीक है तो बोलिए जयकारा शरण वाली माई का वो सच्चे दरबार की जय।